नमस्कार, आप देख रहे हैं बीके टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मुंबई के मलबार हिल पुलिस थाने के क्षेत्र में 3 लाख की सोने की चूड़ियों के लिए थाने के पोपियांसी रोड इलाके के तापिया हाइट्स में मकान मालिक की हत्या कर फरार हुए आरोपी को भुसावल में बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया। ये गिरफ्तारी रेलवे पुलिस, RPF और बाजार पेट पुलिस के संयुक्त अभियान द्वारा कर आरोपी कन्हैया कुमार संजय पंडित उम्र 19 बिहार निवासी को डाउन रक्सोल एक्सप्रेस से गिरफ्तार कर लिया गया। अधिक जानकारी यह है कि संदिग्ध संजय पंडित को 11 मार्च को मलबार हिल पुलिस स्टेशन की सीमा में एक आभूषण व्यवसायी मुकेश गुलाब चंद शाह ने नौकरी पर रखा था। मंगलवार 11 मार्च को शाह अपनी बेटी के साथ दुकान पर थे, वहीं उनकी पत्नी ज्योति शाह उम्र 67 और नौकर कन्हैया कुमार घर पर थे। घर पर कोई नहीं था, इसका फायदा उठाकर आरोपी ने घर की मालकिन ज्योति का गला घोट दिया और उसके हाथ से 3 लाख रुपए कीमत की हीरे की चूड़ी चुरा ली और भाग गया। शाम को ज्योति को फोन करने के बाद जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो शिकायत दर्ज कराने के बाद हत्या का मामला सामने आया और जब पता चला कि नौकर भाग गया है तो हत्या का मामला दर्ज किया गया। वह LTT रक्सोल एक्सप्रेस से संदिग्ध के फोटो सहित भागने की सूचना भुसावल में अधिकारियों को दिए जाने के बाद RPF लोहमार्ग पुलिस और बाजार पेट पुलिस की एक संयुक्त टीम ने भुसावल के पास संदिग्ध को एक्सप्रेस के जनरल डिब्बे में छापा मार कर पकड़ा। ये कार्रवाई भुसावल बाजार पेट थाने के इंस्पेक्टर गजानन पड़घन, लोहमार्ग पुलिस स्टेशन के सहायक इंस्पेक्टर मगरे और RPF इंस्पेक्टर RK मीना, IPF इंस्पेक्टर शेख और सहकर्मियों ने बुधवार शाम को की और आगे की कार्रवाई के लिए मुंबई पुलिस को सौंप दिया गया है।